दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसके विपरीत ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहाँ बेहद ठंड पड़ती है। यहाँ तक कि बर्फबारी, गिरते तापमान तथा शीतलहर से लोग ठिठुर जाते हैं। तो इस पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ जाने पर चंद मिनटों में इंसान बर्फ की तरह ठंड में जम भी सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे ठंडे जगहों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। स्टेनली इडाहो। स्टेनली क्लस्टर काउंटी, इडाहो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहर है। इस शहर की खोज 1820 के दशक में स्टेनली बेसिन ने की थी। स्टेनली में एक अल्पाइन सबअर्क्टिक जलवायु होती है, जिसमें बहुत अधिक सर्दियां होती हैं और एक बड़े पूर्व तापमान में बदलाव के साथ गर्म ग्रीष्म काल भी होता है। वर्ष के किसी भी समय फ्रॉस्ट हो सकते हैं। यहां अधिकतर दिन के समय सुबह ठंड होती है। साल 2010 में हुई जनगणना के अनुसार यहां 63 लोग रहते थे। इडाहो में मौजूद इस जगह का तापमान -17.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर रिकॉर्ड तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक दिसंबर में पहुंच जाता है। यह दुनिया का 10वां सबसे ठंडा स्थान है। रोजर्स पास मोंटाना, यूएस। दोस्तों, अमेरिका में स्थित रोजर्स पास मोंटाना दुनिया की 10 सबसे ठंडी जगहों में से एक है। रोजर्स पास एक पहाड़ी दर्रा है जो कि समुद्र तल से 5,610 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अमेरिकी राज्य मोंटाना में महाद्वीपीय विभाजन पर स्थित है। रोजर्स पास हेलेना नेशनल फॉरेस्ट से सटा हुआ है और मोंटाना हाईवे 200 से घिरा हुआ है। यह ग्रेट फॉल्स और मिसोला मोंटाना शहरों के बीच एक छोटा रास्ता प्रदान करता है। यह जगह सबसे कम तापमान मापने के लिए प्रसिद्ध है। रोजाना पास मोंटाना दुनिया की 9वीं सबसे ठंडी जगह है। साल 1954 में यहाँ का तापमान एक बार -57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। माउंट मैकिनले, अलास्का। देनाली, जिसे अपने पुरानी सरकारी नाम माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है, वह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो अमेरिका के अलास्का में स्थित है। इस ऊंचे पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से 20,320 फीट है। इसे एकोनगुआ और माउंट एवरेस्ट के बाद तीसरी सबसे प्रमुख और सबसे अलग चोटी के रूप में जाना जाता है। यह चोटी अलास्कन रेंज में स्थित है और डेनाली राष्ट्रीय उद्यान तथा संरक्षण का केंद्र का टुकड़ा है। यह स्थान भी दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में गिना जाता है। यहाँ का तापमान -59.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। फोर्ट सेल्किर्क, कनाडा। फोर्ट सेल्किर्क कनाडा की युकोन में पेली नदी के संगम पर युकोन नदी पर एक पूर्व व्यापारिक पद है। कई वर्षों के लिए यह सेल्किर्क फोर्ट नेशन का घर था। आज यह व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन सेल्किर्क फर्ट नेशन और युकोन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अतीत में यह एक महत्वपूर्ण आपूर्ति बिंदु था। एक अन्य कारक जिसके कारण इस स्थान का परित्याग किया गया, वह अत्यधिक ठंड की स्थिति है। इस स्थान पर किसी सड़क के द्वारा नहीं बल्कि नाव या फिर विमान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अब तक यहां पर सबसे कम तापमान -65 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। स्नेग, युकोन। स्नेग एक छोटा गांव है जो अलास्का हाईवे युकोन कनाडा से 25 किलोमीटर पूर्व में अलास्का हाईवे से दूर एक छोटे से सूखे मौसम में स्थित है। इसे पहली बार क्लोडाइट गोल्ड रश के दौरान बसाया गया था। स्नेग भी दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। 3 फरवरी 1947 को यहाँ पर -63 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।
यह दुनिया का छठवां सबसे ठंडा क्षेत्र है। स्मिट ग्रीनलैंड। स्मिट जिसे मिड आई भी कहा जाता है, ग्रीनलैंड के इंटीरियर में आर्कटिक अभियान का स्थान था, जो जुलाई 1930 से अगस्त 1931 तक चला। यह कैंप साइट तट से 402 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 3010 मीटर की अनुमानित ऊंचाई पर स्थित है। स्मिट उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, जिसका वार्षिक औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जो कि अभियान की अवधि के दौरान दर्ज किया गया था। यहां सबसे कम तापमान -65 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। नॉर्थ आइस ग्रीनलैंड। नॉर्थ ग्रीनलैंड में मौजूद यह जगह एक रिसर्च स्टेशन है। यहां पर पूरी तरह से साल भर बर्फ जमी रहती है और धीरे धीरे पिघलकर यह पानी का रूप ले लेती है। ब्रिटिश नॉर्थ ग्रीनलैंड एक्सपेडिशन का हिस्सा है यह जगह। यह अभियान 1952 से 1954 के बीच आयोजित किया गया था। नॉर्थ आइस ग्रीनलैंड के अंतर्देशीय बर्फ पर स्थित है। समुद्र तल से 2341 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में चौथे नंबर पर आती है। इस जगह का सबसे कम तापमान -66.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वेरखोयांस्क रूस। यह स्थान रूस के पास सखा गणराज्य में पाए जाने वाले वेरखोयांस्क जिले में स्थित है, जो कि आर्कटिक सर्कल के पास जाना नदी के करीब है। यह स्थान बाटा गए से 57 मील की दूरी पर बसा हुआ है, जो जिले का प्रशासनिक केंद्र भी है। इस शहर की 2010 की जनगणना के अनुसार यहां 1311 निवासियों की आबादी दर्ज की गई थी। वेरखोयांस्क मुख्य रूप से अपने सर्दियों के कम तापमान और गर्मी तथा सर्दियों के बीच पृथ्वी पर कुछ बड़े तापमान अंतर के लिए मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ठंडी जगह है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -69.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। ओमेकॉन रूस। यह क्षेत्र सखा गणराज्य रूस में स्थित है, जो कि इंडिगिरका नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह कोलिमा हाईवे के साथ तोमर से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। इसे पृथ्वी पर स्थायी रूप से सबसे ठंडे स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। 2011 तक एक जनगणना का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 500 निवासियों की आबादी थी। यह एक अत्यधिक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की विशेषता है। 1924 में -71.2 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया था। यह एक आवास केंद्र में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 6 फरवरी 1933 को -67.8 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान एक बार दोबारा से यहाँ पर दर्ज किया गया था। इतना कम तापमान केवल अंटार्कटिका में दर्ज किया जा सकता है। वोस्तोक अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका में यह अंतर्देशीय राजकुमारी एलिजाबेथ लैंड में स्थित एक रूसी अनुसंधान स्टेशन है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और यह पोल ऑफ कोल्ड के दक्षिण में स्थित है। अनुसंधान स्टेशन पर आइस कोर ड्रिलिंग और मैग्नेट्रोमेट्री की जाती है। इस स्टेशन का नाम प्रथम रूसी अंटार्कटिक अभियान के मुख्य जहाज वोस्तोक के नाम पर रखा गया था। यहाँ का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनए.com पर भी विजिट कर सकते हैं।